फ्रेंड्स हाव यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन एल्बर्ट आइंस्टाइन एज यू ऑल नो बिकॉज मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ ही वॉज अ ग्रेट फिजिशियन एंड मैथेमेटिशियन थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वास लेकिन बस लोग इन्हें एक फिजिशियन और मैथेमेटिशियन के ही रूप में जानते हैं लेकिन मैं इन्हें इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ एज अ फिलोसफर क्योंकि एवरी मैथेमेटिशियन इज़ अ फिलोसोफर बिकॉज मैथेमेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज लेकिन हमें मैथेमेटिक्स इस तरीके से पढ़ाया गया है तो हम इसे बर्डन समझने लगे बोझ और हमने ना इसको इस तरह यानी इसमें वी आई मीन इट्स नॉट आर फॉल्ट ये हमारा फॉल्ट नहीं है ये पढ़ाने वालों का फॉल्ट है मुझे जिसने पढ़ाया आपको जो पढ़ा रहा है वो मैथेमेटिक्स को आपको समझा नहीं रहा उसने मैथेमेटिक्स को लैंग्वेज नहीं समझा इसलिए वो आपको कैसे समझाएगा यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे अगर ये बात कहूँ कि फाइव अपॉन टू मैं आपसे अगर ये कहूँ कि फाइव अपॉन टू और मैं कहूँ कि बताओ इसका मतलब क्या है क्योंकि तुम्हें उस तरीके से पढ़ाया नहीं गया तो तुम कहोगे जी फाइव अपॉन्ट टू का तो मतलब बस ये पाँच बटा दो फिर आप इसे सॉल्व करो तो सॉल्व इसे कर दोगे आप तो जब जाके आपको पता चलेगा लेकिन एक बार बताइए मुझे आप पाँच बटे दो यानी पाँच का आधा सिंपल है ढाई भाई इसमें इतनी इसमें तो कॉपी उठाने की भी जरूरत नहीं है अगर मैं आपसे कहूँ थ्री अपॉन फोर तो तीन बटा चार तो किसी भी चीज़ के आप चार पार्ट कीजिए उस चार में से तीन पार्ट जो हैं उस ये मतलब है तीन बटे चार का लेकिन इस तरीके से वी आर नॉट टॉट हमें नहीं पढ़ाया जाता तो उनकी कोटेशन सुन लीजिए पहल पटाइसटीन की ये कह रहे हैं कि एजुकेशन वो होती है जो रह जाती है कब रह जाती है जो चीज़ हमें स्कूल में पढ़ाई गई थी जब हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं और जो चीज़ हमारे फिर याद रह जाती है वो एजुकेशन है तो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये इट्स इट्स अ डीप कोटेशन ये कहना चाह रहे हैं जो भी चीज़ हमने स्कूल में रटी थी सिर्फ प्रेशर लेके बर्डन समझ के उसे हम भूल जाएंगे और जो जिस चीज़ को हम भूल जाएंगे वो एजुकेशन नहीं है एजुकेशन कैन नेवर भी फोगोटन इसे भुलाया नहीं जा सकता चाह कर भी आप एजुकेशन को दिमाग से निकाल नहीं सकते और ये कब मुमकिन होगा ये उस वक्त मुमकिन होगा कि जब आप चीज़ों को लाइफ से रिलेट करेंगे देखिए आपने भी देखा होगा मेरा तरीका हमेशा ये रहा है कि मैं जो भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ मैं उसे ज़िंदगी से लाइफ से रिलेट करके पढ़ाता हूँ उसे अप्लाई कहाँ करेंगे आप भाई जो भी चीज़ आपने पढ़ी जिंदगी में उसे अप्लाई कहाँ करेंगे आप यानी हमें पता नहीं कब से पढ़ाया जा रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम ठीक है ना यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर ठीक है ना यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बेस का यानी कि जो बेस होता है उसका आधार उसका और लंब का इस उनका टोटल जो है कर्ण का स्क्वायर है लेकिन इसका यूज़ कहाँ होता है ये भी तो बात है ना तो इसका यूज़ तब होता है आपको बहुत बड़ी कोई हाइट की चीज़ है एक पोल है खंबा है एक आपको उसे नापना है अब ऐसा तो नहीं खम्भे पे चढ़ के नापोगे आप उसे तो आप उसे नापने के लिए यानी कि नीचे से ही आप उसमें उसका बेस और उसको एक कर्ण दे देंगे उससे हाइट निकल आएगी ये आप अपने सर से पूछना ये मैंने आपको हिंट दे दिया है ठीक है अब अब तो एजुकेशन क्या आती है अगर जब आप उसे प्रैक्टिकल करेंगे तो आप उसे भूल ही नहीं पाएंगे एकदम जब भी आप पोल को देखेंगे तो आप कहो कहेंगे भाई सर ने बताया था कि इसे नापने के लिए पायता थ्योरम लगती है लेकिन अगर आपके सर ने आपको बस ये बता रखा है कि बस भाई ये याद करो सी स्क्वायर इजिक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना तो ए का पता ना सी का यानी आपको यही नहीं पता लग पाता पूरी उम्र कि इसका यूज़ कहाँ होगा है सेम चीज़ ट्रिग्नोमेट्री की है सेम एल्जेब्रा की है सो हमें इस तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया सो so, मैं सभी स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि आप थोड़ा सा आप भी इस चीज़ की हैबिट डालें कि चीज़ों को ना प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करें ठीक है ना वो टीचर्स क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूँ तो ये वीडियो अगर किसी टीचर ने सुनी उस तक पहुँची तो प्लीज़ चेंज चेंज द वे यू आर टीचिंग राइट नाउ यानी बच्चों को ना इन्वॉल्व करो बच्चों को इस तरीके से पढ़ाओ कि वो बोझ ना समझे पढ़ाई को हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उन्हें बस यहाँ एक्सरसाइज कर लेना इसकी ये फर्स्ट सेकंड, थर्ड कल को चेक कर दूंगा ख़त्म कहानी तो उसे आज तक यही नहीं पता लगा इसका यूज़ कहाँ होना है तो इसमें कसूरवार कौन है रिस्पॉसिबल कौन है वी आर रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल वी आर द रिस्पॉन्सिबल सो ये चीजें थी तो जिस चीज़ को आप भूल जाएं वो एजुकेशन नहीं है जिस चीज़ को आप कभी भूल ही ना सकें दैट इज एजुकेशन तो दिस इज वट एलबर्ट आइंस्टीन वॉज ट्राइंग टू टेल एस आई होप यू हैव अंडरस्टूड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स बाय